तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल लाइफ मोस्ट एंड दो सुखन रेडू। तो दोस्तों फ्रेम में देख ला रहे जिस चेहरे ने, तो जी हाँ, मम्मी मम्मी चिल्लाने वाला भाई किंग। तो आप सब जानो भाई, दिल्ली का लड़का है और भाई काफी पॉपुलर है। पब्लिक में जाकर भाई मम्मी पुकार है, भाई घर पे क्यों नहीं पुकारता। काफी कमेंट है भाई, नेगेटिव भी बोल रहे हैं तेरे की में दिक्कत है क्या कुछ, भाई जानबूझ के कर रहा है। पूरी जानकारी ले हुआ भाई कहाँ आता है और इंस्टाग्राम पे कितनी की अर्निंग करा है। तो आजकल का यूथ का माइंड में है भाई, इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा अर्निंग हो रही है। तो भाई पे पूरी जानकारी लें, कब के स्टार्टिंग हुई और कितना के प्यार मिल रहा है। तो भाई जी राम राम, सत श्रीकाल। सत श्रीकाल जी, राम राम जी। कैसे हो भाई जी? बढ़िया बढ़िया, आप बताओ जी। पहले अपना गाँव जिला बताओ भाई जी। मेरा गाँव जिला शहर दिल्ली, तिलक नगर। मैं दिल्ली से हूँ, वेस्ट दिल्ली से हूँ जी। अगर कोई मिलना चाहो कहाँ पे मिला भाई? दिल में दिल में दिल में मिलेंगे और जहाँ बुलाएंगे वहाँ आ जाएंगे। ओके, हाँ जी। अच्छा भाई जी, इंस्टाग्राम की बात करा, इंस्टाग्राम से पहले टिकटॉक था, उस पे थे आप? जी टिकटॉक पे था, मतलब तब मैं ऐसे कुछ सोचा नहीं था कि हाँ कुछ ऐसे करना है। वो अपना मस्ती मजाक चलता था, थोड़ा बहुत वीडियोस वगैरह बना लेते थे, बस ऐसे था। इंस्टाग्राम पर पहले वाली वीडियो देखा, मतलब जिम वाली या स्लोमो वाली ऐसे कुछ बनाते थे। हाँ जी। जिम का अपना शौक है ना? अपने अभी भी शौक है जिम का पूरा। अच्छा, किस टाइम मारते हो जिम? जिम कोई ऐसे टाइम नहीं है, जब मर्जी दिल करे चले जाए। ओके, हाँ जी, जब दिल करता है तब चले जाते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। कितने इसके डोले होंगे मेरे ख्याल? ये छोड़ रखे 16 पौने 16। नहीं नहीं, अभी तो एक महीने से मैं मतलब प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन करा अपना। मैंने 9 kg गिराया अपना वेट, 9 किलो बढ़ गया था मैं, मतलब ज्यादा ही बढ़ गया था वेट। कितने दिनों वेट के कम कर दिया? अभी लगा लो एक सवा एक महीने। था क्या, मतलब क्या डाइट प्लान रहता है आपका, जो वेट गेन भी कर लेते और कम भी कर लेते? डाइट प्लान वो फिर हम एक तो जैसे अब बाहर निकलते हैं, वीडियोस बनाते हैं, आपको पता ही, आपको भी पता ही होगा, आप जाते हो तो बाहर का खाना पीना हो जाता है। तो उस वजह से फिर थोड़ा सा कंट्रोल करा अपने आप पे, बाहर का बंद कर दिया। जहाँ जाता था अपना खाना साथ लेके चलता था मैं। हाँ, अपना मतलब घर से फ्रूट्स वगैरह सैलेड वगैरह बना के साथ लेके चलता था। बॉइल्ड दाल हो गई, ओट्स हो गए, वाइट एग्स हो गए, और स्टीम चिकन हो गया, ग्रिल्ड चिकन हो गया। तो ऐसी चीजों को ज्यादा फॉलो कर लिया था। फिर हेल्दी चीजों को, गुड फैट लेता था, बैड फैट सब बंद कर दिया था, कैलोरीज वगैरह वाला, तला वाला सब बंद। ट्रेनर हो गया? जिम ट्रेनर हो गया? जिम ट्रेनर नहीं, बट ये है कि काफी टाइम से कर रहा हूँ, देखा जाए तो कंटिन्यूज नहीं करा, बट हाँ 8-9 साल से ये इसी लाइन में हूँ, जिम वगैरह कर रहा हूँ। कॉम्पिटिशन भी खेला था, नॉर्थ इंडिया चैंपियनशिप में top 5 आया था मैं। अरे वाह, क्या। हाँ जी, तो जिम वगैरह पब्लिक ये भी कहते हैं भाई, भाई की जिम होनी चाहिए, ओपन कर लो कोई जिम वगैरह। मतलब समझा नहीं मैं। नहीं, आपकी कोई जिम वगैरह ओपन कर लो ना, अपनी जिम। हाँ, मिलेंगे जिम, बस ये भाई लोग प्यार दें, जल्दी जल्दी थोड़ी इनकम आए तो फिर ये भी देख लेंगे। Okay. साइड बिजनेस ये भी रख लेंगे। बिल्कुल, तो भाई सेहत जरूरी है भाई की, मतलब बॉडी फिटनेस बहुत अच्छी है। वो वीडियो पहले थी जो फिटनेस की थी, आज भी डालते हो? अब दोबारा से आएगी कंटिन्यूस, अब कुछ बढ़िया लेके आऊंगा। और अच्छा भाई जी, ठीक है, वो फिटनेस के डालते डालते ये मम्मी वाला आइडिया कहाँ से आया, मतलब एक चिल्लाना पब्लिक में? ठीक है, घर में तो और कोई चिल्लावा है, तो पब्लिक में जाकर किसने बताया था भाई ये ऐसे करो? नहीं, ऐसे किसी ने बताया नहीं था। अब मैं आपको असलियत बताऊं तो मैं गया था जूडियो। जूडियो मतलब? जूडियो जो टाटा रतन जी का ब्रांड है ना, कपड़ों का। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी लास्ट ईयर ना, यही जून जुलाई अगस्त के महीने में ना, अभी मेरे को 1 साल भी नहीं हुआ, अगले महीने 1 साल होगा मेरे को इस लाइन में आते हुए। ओके। तो मैं ऐसे ही मतलब घर वालों ने बोला, मम्मी को ना ऑर्थो वाली वो चाहिए थी स्लीपर, तो वो लेने जा रहा था मैं। तो प्लान ऐसे बना कि दीदी कहती कि पहले वहां चलते हैं, हम जा रहे थे ऑर्थो के लिए, ऑर्थो मतलब स्टोर पे ही, हाँ, कि ऑर्थो वाली स्लीपर्स वगैरह के लिए पता करने। तो वहां उन्होंने कहा कि नहीं, एक बार जूडियो भी चल के देखते हैं, कुछ और कपड़े वगैरह भी देख लेंगे। बहुत हाइप में था उस टाइम पे लास्ट ईयर में, तो सब यही मतलब कह लो कि यूट्यूबर्स हो गए या इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स वगैरह हो गए, ये सब क्या कहते हैं कि इसी लाइन में थे, सब यही लगे थे जूडियो जूडियो जूडियो। तो हम भी चले गए, हम गए वहां पर, हमें कुछ समझ नहीं आया। मैं लिटरली बताऊं, उस टाइम पे बहुत बेकार सामान पड़ा था वहां पर, ठीक है, मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो मैंने देनी थी गालियां, मैं क्या करता था मस्ती मजाक में ना स्टोरी वगैरह या वीडियो बना बना के डाल देता था, रील पे नहीं डालता था, स्टोरी डाल देता था। तो मैंने वो हंसी मजाक में बना के डालनी थी वीडियो इसी अकाउंट में। हाँ, इसी अकाउंट में। ठीक है। तो उस टाइम मेरे 1300 समथिंग फॉलोवर होंगे यहाँ। तो
हुआ ये कि मैंने मम्मा सब थे साथ में, तो मैंने बोला कि आप लोग ना बाहर को चले जाओ, अगर मैं पब्लिक में ऐसे बोलूंगा या मुंह से गाली वाली निकल गई तो पब्लिक में ऑफेंड होंगे तो मेरे को बोलेंगे, मैं सुन लूंगा, अगर फैमिली में बोलेंगे ना तो फिर लड़ाई वाली बात हो जाती है। तो फिर मैंने इसलिए मैं बोल रहा था कि जाओ जाओ, तो मम्मी जाने रही थी, तो मैंने मम्मी जाओ, तो वो एकदम से मेरे मुंह से निकल गया बस। अच्छा, और वीडियो थी उस टाइम, वो मेरे लिए भी रैंडम था, मेरे लिए भी अनएक्सपेक्टेड था, वो एकदम से निकला था कि मम्मी मैं स्टूडियो आ गया। पहली वो थी, तो वो गई मैसिव वायरल, मतलब मेरे को शायद वो दो दिन में 1 मिलियन हो गई थी, 24 घंटे या 36 घंटे में 1 मिलियन हो गई थी वो। और उसके बाद फिर वो 6 अगस्त को डाली थी मैंने वीडियो 2023 में, और उसके बाद मैंने डाली 10 या 11 अगस्त को जारा जाके वीडियो। अच्छा, ब्रांड में जाने लगे फिर आप? हाँ, फिर मैं ब्रांड में जाने लग गया। मेरे को ना, मैंने ये भी रील में पोस्ट नहीं कर रहा था स्टूडियो वाली। ये तो मेरी एक बुआ जी का बेटा, मेरा बड़ा भाई है, उन्होंने मेरे को इतना फोर्स करा कि नहीं भाई ये तू रील ही पोस्ट करेगा, तू ऐसे पोस्ट नहीं करेगा, बट मैं मान नहीं रहा था। तो करते करते मैंने रात को 8:30-9 बजे पोस्ट करी थी रील। अच्छा, और ये सुबह उठे था तबाही मच गई थी, यही सीन था। तो फिर उसके बाद से सब बोलने लगे कि अगर बढ़िया चल रहा है तो तू करके देख ले, ट्राई कर ले। तो फिर मैंने ट्राई किया और आज यहाँ पर आपके सामने बैठा हूँ। बिल्कुल, अच्छे कलाकार इन्फ्लुएंसर से आप मिलते हो भाई जी। मतलब मम्मी का क्या रिएक्शन था उस टाइम वीडियो चलने के बाद, बेटा ये पब्लिक में क्या बोल रहे हैं? मम्मी को शर्म आई थी। मम्मी को तो सच्ची बताऊं तो मम्मी को शर्म आ गई थी उस टाइम पे, तो हंस भी रहे थे, पब्लिक भी बहुत अच्छी वहां पर, और लोगों ने बाहर आके पूछा कि भाई कौन हो, कहां से आए हो। हुआ था, इरिटेट होया, वहां गुस्सा होया कोई नहीं? आज तक ऐसे कुछ हुआ नहीं। एक बार हुआ था H&M में, मैंने H&M की वीडियो बनाई थी, बट H&M की वीडियो ना कुछ वैसी बढ़िया बनी नहीं, तो करके फिर मैंने वो पोस्ट नहीं करी। मतलब वो रिएक्शन जो चाहिए होता ना मुझे, वो आया नहीं था। और मेरे को चाहिए होता रैंडम रिएक्शन, पब्लिक वाला रिएक्शन कि पब्लिक को पता ना और मैं ऐसे करूं, तो उस दिन मजा नहीं आया मेरे को। तो वहां पर एक जाना था जिसने बोल दिया था सिक्योरिटी को बुलाओ, ये क्या चल रहा है यहाँ पर, ये वो। फिर मैं भी फैल गया था, मैं क्या बुला सिक्योरिटी को, मैं भी देखता हूँ क्या कर लेगी सिक्योरिटी। बस वहां पर हुआ था थोड़ा। हाँ, हेलो, ओके। अच्छा भाई, ठीक है, ये लगातार कर दे रहे, कितने वीडियो के बाद आपके 50 के हुए? 50 के अगर मैं ऐसे बोलूं तो मेरे को याद नहीं, जेन्युइन बताऊं तो, क्योंकि मेरा ना एकदम से बूम आया था, मेरे फॉलोवर्स बढ़े जारा वाली वीडियो के बाद। वीडियोस चली और भी जो 2-4 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन गई, पर जारा वाली गई थी मेरी 25-26 मिलियन और जूडियो वाली गई थी 19 मिलियन के आसपास। तो ये चल रहा था और 10,000 व्यूज, 10,000 फॉलोवर हो गए, तब मेरे को मोनेटाइजेशन का आ गया। अच्छा, मैंने मोनेटाइज मैंने कर दिया उसको, सब कर दिया, बट इनकम कुछ नहीं जनरेट हुई। ये सब हुआ है कि भाई पैसे आते हैं या नहीं आते, सिर्फ फेसबुक है या यूट्यूब है या स्नैपचैट है जो पैसे दे रहे हैं। अच्छा, वो तो नहीं दे रहा इंस्टाग्राम। लोगों का मन में ये है, गुरु है जो गुरप्रीत है, वो बहुत अच्छा अर्निंग करे इंस्टाग्राम से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जेन्युइनली बताऊं तो मैंने कुछ भी अर्न नहीं करा है। जैसे कि मैं दूसरे लोगों को भी देख रहा हूँ ना जो इंस्टाग्राम पे भी पैसे कमा रहे हैं ब्रांड्स के थ्रू, तो मैंने उतना भी अर्न नहीं करा अभी। हाँ, बट मैं ये है कि मेहनत कर रहा हूँ, लगा हुआ हूँ। खर्चा पानी निकल जाओ, खर्चा पानी किसी महीने तो बिल्कुल भी ना निकले। किसी महीने निकल जाता है, किसी महीने रह जाता है, ये होता है। ओके, आपने ब्रांडों में डाली वीडियो जाकर, ब्रांड में जाकर, और फिर आपने सरोजनी नगर है वो शायद, हाँ सरोजनी, हाँ वहाँ पे जाकर आपने डाल ली, पब्लिक का रैंडम रिएक्शन आ हुआ। हाँ, वहाँ पर भी मैसेज वायरल हो गई थी वो, बहुत ज्यादा देखी। अब तो सरोजनी जाता हूँ, कुछ कुछ दुकान वाले हैं उनको पता है कि यहाँ वीडियो बनाने आया, तो वो पहचान लेते हैं भाई इधर आओ, हमारी बना दे, हमारी बना दे, ऐसे करते हैं। कमेंट की बात करा भाई जी, बहुत गाली दिए लोग भाई, तेरे की दिक्कत है, मम्मी मम्मी के पुकार घर पर पुकार ले, आपका क्या रिएक्शन रहा उस टाइम देख कर कमेंट? आपको क्या लगता है मेरा क्या रिएक्शन होगा? पहले पहले जब स्टार्टिंग शुरू हुआ था ना, तो दिल करता था साड़ो सामने आओ फोड़ दूंगा बस। कि आएगा सामने तो मारूंगा इसको, तो गुस्सा हो जाता। हाँ, मैं रिप्लाई भी कर देता था गुस्से में पहले, बट फिर मेरे को समझ आया कि दो तरह के लोग होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। मैं पॉजिटिव वालों की तरफ ध्यान दे रहा हूँ, जो मेरे को फॉलो कर रहे हैं, जो मेरे को प्यार कर रहे हैं, बस मेरे को मतलब ही नहीं है कौन मेरे लिए उल्टा बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है, पीठ पीछे बोल रहा है या मेरे को ट्रोल कर रहा है, मेरे को लेना देना ही नहीं है। बिल्कुल, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक इंस्टाग्राम पे ही थे, जब मेरी जारा के बाद 2-4 वीडियो और पोस्ट करी थी मैंने, तो उस बंदे ने मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल दिया था। अच्छा, हाँ बहुत बोला था, इंस्टाग्राम पे रील डाली थी, और अच्छा वायरल बंदा है वो, मिलियन में फॉलोवर थे उसके। मैं नाम नहीं लेना, मैंने मेरे को कॉन्ट्रोवर्सी नहीं चाहिए अभी। ओके, अभी अपने काम में मस्त है, बढ़िया है,
थोड़ा घर वाले परेशान, थोड़ा फील होया अपने मतलब यार, उससे फील हुआ था, मेरा रिप्लाई करने का बहुत बढ़िया दिल भी था उसको, पर मैंने सोचा कि छोड़ अपने आप मेरा काम जवाब देगा उसको। और उसके बाद हाँ मैंने उसको पॉजिटिव कमेंट करा था आगे से, पॉजिटिव रिप्लाई दिया था, वो बंदा शर्म के मारे रिप्लाई नहीं कर पाया मेरे को कुछ आगे से, मतलब आपने उसकी जुबान बंद कर दी। हाँ क्या बात, लाठी भी टूट गई और सांप भी मर गया। मतलब कहने का मकसद है भाई, लोग बेसिंग की इतना गलत बोलो, अपने आप को संभालो, अपने आप को संभालो, लोगों का काम है उनके छोड़ दो। अब देखा जाए तो हर रिश्तेदारी में भी ऐसे होता है कि आपके रिश्तेदार होंगे कुछ ना कुछ जो साले पकड़ के नीचे खींचेंगे आपको। आपके साथ हो है ऐसे कभी रिश्तेदार का रिएक्शन है भाई छोड़ क्या काम करने लगे तो? नहीं, मैं जनरली बताऊं तो जिनसे उम्मीद नहीं भी थी ना वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं कि हम भी अच्छा कर रहे तू कर, जनरली बता रहा हूँ, जिनसे उम्मीद थी ना वो भी सपोर्ट कर रहे हैं इसी लिए। अच्छा यार पता नहीं क्यों पर कर रहे हैं। अच्छा यार रिश्तेदारी की बात करा भाई जी, एक होया नहीं करा मतलब सॉरी यारी दोस्ती की बात करा, एक होया करा चल यार मैं तेरे साथ हूँ, जब वायरल होने लग जाओ है थोड़े पीछे हटने लग जाए हैं टांग खींचने, ऐसे कोई बंदे थे? ऐसे कोई थे तो नहीं, सामने तो सारे यही बोलते हैं कि तू कर कर कर, और अगर मैं बात करूं बीच में मैं फॉलोवर्स की बात भी कर रहा था ना 50 के कैसे हुए 100 के, तो जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो 10,000-20,000 फॉलोवर कैसे हो गए मुझे नहीं पता लगा, एक सवा एक महीने में मेरे 10,000 फॉलोवर हो गए थे, और उसके बाद अच्छा चल रहा था सब बढ़िया चल रहा था, फिर बीच में एक ब्रेक आया 20-25,000 के बीच में ना, बहुत धीरे धीरे फॉलोवर्स चल रहे थे, मैं कहा ये क्या हो गया क्योंकि एकदम से बढ़ रहे थे। तो वो होता है ना, मेरे को तो पता नहीं नॉलेज नहीं जिस चीज की, एल्गोरिथम का पता नहीं मेरे को इंस्टाग्राम के कि कैसे चलना है कैसे होना है कैसे क्या। वीडियो कितने देर में डालते थे उस टाइम? वीडियो में मतलब एक आधी पोस्ट करता था, बीच में फिर मैंने 10-15 दिन गैप लिया और उसके बाद से फिर मेरे फॉलोवर्स कम हो गए, फिर मेरे को समझ आ गया कि भाई यहाँ पर रेगुलर रहना पड़ेगा, वीडियोज पोस्ट करनी पड़ेंगी, तो फिर मैंने दोबारा शुरू कर दी पोस्ट करनी, फिर मैंने एक डाली एक्सीडेंट की वीडियो, ओके ट्रांजिशन बोलते हैं जिसको, एक्सीडेंट के आगे आपने देखा होगा आजकल ब्रांड्स कर रहे हैं वो चीजें, तो वो मैंने कॉमेडी में ना मेरे को एक वीडियो आ गई थी, होगी मेरे ख्याल वो शायद अफगानिस्तान या मतलब साउथ उधर की साइड की थी, वो साउथ अरेबिया साइड की शायद, तो वो बंदे ने क्या करा था, वो बाइक लेके आया था, वो घर के अंदर घुस गया था एक्सीडेंट में, वो मेरी गई 58 समथिंग कुछ मिलियन है आज भी, और वो पागलों की तरह भागी थी वो वीडियो, तो उसने इतना गंदा बूम दिया मेरे को, मेरे फॉलोवर्स 50 के हुए, 50 के मतलब धीरे धीरे 50 के हुए थे, और मैंने उस वीडियो से ही सिर्फ और सिर्फ मैंने मेरे ख्याल 34,000-35,000 फॉलोवर गेन करे थे सिर्फ उस वीडियो से, सिर्फ एक वीडियो से। पिज्जा डिलीवरी कर रहा था, पिज्जा डिलीवरी, हाँ हियर्स योर पिज्जा मैम, वो गुलाटी मार के मैं जो आगे आया था ना बस, तो उस वीडियो ने जो मेरे को बूम दिया ना उसी था मेरे को, मतलब आप लगा लो 6 अगस्त को शुरू करा और 12 नवंबर को मेरे 100 के हो गए थे, दिवाली वाले थे, दिवाली गिफ्ट था मेरे को। आइडिया कैसे आया था आपके माइंड में? वो भी यही था कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा था, दिमाग नहीं चल रहा था कि अब मम्मी कहाँ कितना कर लूँ, मेरे को ये था कि ऑडियंस बोर ना हो, ठीक है चलो कुछ अलग चाहिए कुछ अलग चाहिए, तो दिमाग चला रहा था, वीडियो एकदम से सामने आई, तो मैंने दीदी को बोला घर पे, मैंने दीदी एक मिनट आना यार जरा, मैंने वीडियो शूट करनी है, मैंने फटाफट कपड़े चेंज करे, व्हाइट पैंट व्हाइट शर्ट डाली क्योंकि वही सेम वही सेम गेटअप लिया मैंने, गेट खोला वो दूसरे शॉट में वीडियो वो हो गई थी, पहले वीडियो में मैं हंस पड़ा था, दूसरे में क्लियर, मतलब दो टेक में काम खत्म हो गया था, तीसरे में वो मिलियन पार, तीसरे में वो मिलियन पार, उसने तो बहुत गंदा बूम दिया था, मतलब वो तो पागलों की तरह भागी थी वीडियो। अच्छा अपने आपकी दो बैड हैबिट बताओ जो अपना अच्छी नहीं लगती चेंज कराना था। स्लीप शेड्यूल, ओके नींद पूरी नहीं होती और नींद आती नहीं, पहले अभी बीच में जब रेगुलर हुआ था ट्रांसफॉर्म किया जब तब मेरा अच्छा भला हो गया था शेड्यूल कि मतलब कि रात को 10-11-12 बजे कभी कभी तो 8-9 बजे सो गया और सुबह 4:30-5 बजे जैसे गांव में हो जाता है ना वैसे वाला सीन हो गया था, बढ़िया मेरे को भी अच्छा लग रहा था बहुत, पर ये काम की वजह से कभी कोई फोन कर देता है फिर मना भी नहीं किया जाता, फिर जाना पड़ता साथ में, या कभी खुद का कोई इवेंट होता है या काम होता है तो जाना पड़ता है, फिर रात के 1-2-3-4 बज जाते हैं कब पता नहीं लगता, बिजी लाइफ होगी। हाँ तो वो स्लीप शेड्यूल एक मेरी बैड हैबिट है, मेरे को वो ठीक करने को मिलेगी तो मैं जरूर करूंगा। ओके दूसरी? दूसरी ऐसी कोई बैड हैबिट है नहीं, हाँ सब बोलते हैं कि मैं गाली बहुत देता हूँ। अच्छा अभी तक खैर मैंने आपके इंटरव्यू में दी नहीं, तो मैं गाली बहुत देता हूँ, मेरे मुंह पे रहती है, इवन मैंने वीडियोस में भी बहुत बार गाली गुली दी हुई है और उसकी वजह से वायलेशन भी आई हुई है एक दो। ओके मतलब ये दो चीज़ बैड हैबिट आपकी? हाँ ये कह सकते हो। ओके अच्छा वो कौन सा दिन था डीमोटिवेट हो गए थे यार छोड़ दिया मैं नहीं करता?
डिमोटिवेट तो अभी तक हुआ नहीं, नहीं हुआ नहीं, पर हाँ बीच में क्या मतलब मेरे को जब इनकम नहीं आ रही, बीच में एक दो महीने जब परेशान रहा ना कि हाँ भी, तो मेरे को हुआ था कि यार कुछ छोड़ इसको, फिर कुछ काम कुम देखते हैं साथ साथ कर लेंगे, थोड़ी बहुत वीडियो डाल लिया करेंगे, ऐसे दिमाग में आ गया था। फिर मैंने कहा नहीं, फिर उसके बाद अब तो सही चल रहा है। अच्छा क्या लगा भाई जी, जो नए यूथ आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, क्या लगे इस लाइन में या इंस्टाग्राम पे है लाइफ? इंस्टाग्राम पे भाई लाइफ तो है, अब आपके ऊपर है आप कैसे कर रहे हो, कंटेंट पे डिपेंड है, कंटेंट पे डिपेंड है। आप पब्लिक को अपनी तरफ खींच रहे हो नहीं खींच रहे हो, पब्लिक आपसे प्यार कर रही है या नहीं, जरूरी नहीं है। अब हर चीज, अब देखा जाए तो मैंने इन्फ्लुएंस किस चीज से करा है, मम्मी चिल्ला के, बहुत लोगों ने कॉपी भी करा, बहुत लोगों ने करा है, और मैंने भी, इवन बताऊं जनरल बताऊं तो मैंने भी कॉपी करा है, पर इंडिया में किसी ने नहीं करा था। अच्छा बाहर का था ये? ये बाहर का था, ये किसी को नहीं पता था, ये इंडिया में सिर्फ मैं लेके आया था, सबसे पहले मैंने करा भाई। जब आप मम्मी पुकारते थे? हाँ जी मम्मी पुकारते थे। हाँ जी पब्लिक में था, कितना डर था? पहली बार तो जब वो हो गया तो जो डर तो आधा वही निकल गया। दूसरी बार जब मैंने करा जारा में, पहले करा था मैंने पैसिफिक, सुभाष नगर पैसिफिक मॉल है हमारे वेस्ट दिल्ली में, इसके ऊपर मैंने फूड कोर्ट में करा था। ओके वो मेरी गई 2-3 लाख वीडियो पर। मैं कहा यार मतलब ये मम्मी वाला चलने नहीं वाला, मेरे को लग रहा है एक चल गई चल गई। उसके बाद जब मैंने जारा में करा ना, जारा में जो रिएक्शन आया वो दौड़ी रैंडमली था। फिर दरोजनी में करा, फिर एक अग्रवाल स्टोर था उसमें करा, एक मैंने उसमें गुरु रंधावा जी के साथ करा मम्मी, वो भी मेरी 41 मिलियन 41 मिलियन के आसपास है वीडियो। वो कैसे मिले थे गुरु के? वो भी एक कहानी है। सॉन्ग वगैरह आ रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। तो? गाना तो अपना भी बाद में आएगा, करेंगे जल्दी, वो सरप्राइज है। वो नहीं, वो था कि वो मूवी आई है ना उनकी, कुछ खट्टा हो जाए, साई मांझीगर जी के साथ। हाँ जी उस टाइम मिले थे आप? उस टाइम मिला था, वो मूवी का प्रमोशन ही था। ओके हाँ, वो नोएडा बुलाया था मेरे को, और जिसने बुलाया था, जिनके पास वो मतलब था ना कॉन्ट्रैक्ट की, एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है एक कंपनी के साथ कि आपको प्रमोट करना है, आपको सब कंटेंट क्रिएटर और जगह जगह लेके जाना है, कॉलेजेस वगैरह स्कूल्स वगैरह में प्रमोशन के लिए। तो वो सीन था, और उसके बाद क्या हुआ कि जब वो बंदे जो थे उनमें एक बंदा जो था वो मेरा एक छोटा भाई था, जो मैंने बुआ जी का बड़ा बेटा बताया ना, उन्हीं का एक रियल छोटा भाई था, मतलब मेरे लिए भी रियल जैसा था, बचपन का मेरा प्यार था उसके साथ। उसका हो गया था कार एक्सीडेंट, वो यहीं जनकपुरी में हुआ था, और 2-2.5 बजे उसने मेरे को ड्रॉप करा, और 4:30 बजे 5-5:45 बजे के बाद पता लग रहा है कि उसका ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ है, और वो ख़त्म हो गया, एक्सपायर हो गया। तो जिस गाड़ी में, मतलब उसका गाड़ी बहुत बहुत ही गंद, मतलब मैं बता नहीं सकता कि पूरी गाड़ी मतलब टोटल लॉस थी, पूरी इंजन निकल के गाड़ी का इंजन ही निकल गया था, आग का गोला जैसे होता ना वैसे बन के दूसरी गाड़ी में जाके टकराया था। वो बहुत खतरनाक एक्सीडेंट था, तो वो जो इंजन निकल के दूसरी गाड़ी में टकराया था, वो गाड़ी मतलब हमारे जिस गाड़ी में टकराया था वो बंदा वही प्रोडक्शन टीम का था। अच्छा वहां से मेरा कॉन्टैक्ट बना था उसके साथ, बट मैं तब वायरल नहीं था, तब मैं कुछ भी नहीं था, ये 2022 की बात है नवंबर में, तो ये नवंबर की 2022 की बात है। उसके बाद मतलब कॉन्टैक्ट में आ गया था वो, मैंने एक दो बार उससे मतलब ऐसे भाई बोला था कि भैया कि मेरे को भी इस लाइन में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है एक्टिंग वगैरह का, तो कुछ हो मेरे लाइक बताना, बट मुझे ये नहीं पता था कि मैं खुद ही गेन कर जाऊंगा। और जब मैं नया नया वायरल हुआ था तभी उन्होंने बोल दिया था मेरे को, मेरी दूसरी तीसरी वीडियो थी जारा जूरा वाली, तभी बोल दिया था कि तेरे लिए मेरे पास एक काम है, तेरे को मैं गुरु रंधावा की ऐसे ऐसे मूवी आएगी, मतलब सितंबर में बता दिया था उन्होंने, और ये फरवरी में मिला था, मैं फरवरी में मूवी लॉन्च हुई है ना, फरवरी मूवी रिलीज पे मैं मिला हूँ, और सितंबर में बोल दिया था कि तेरे को पक्का बुलाऊंगा मूवी प्रमोशन। कैसा लगा मिलके? बढ़िया लगा, इवन गुरु पाजी वॉज वेरी नाइस, मैंने जितना नोटिस करा था मुझे लगा था शायद एटीट्यूड होगा भाई, ऑब्वियसली लगता ही है कि भाई इतना बड़ा स्टार बन गया वो बंदा, बॉलीवुड हॉलीवुड सब जगह घूम रहा है, बॉलीवुड में तो ऑब्वियसली आ ही चुके हैं वो पूरी तरह। हाँ तो मेरे को था कि शायद होगा, थोड़ा ईगो होगा, एरोगेंस होगा बंदे के अंदर, बट ऐसा कुछ भी नहीं था, वो बहुत ही नॉर्मल थे, बहुत बढ़िया लगा, इवन मिलके भी मेरे को अच्छा लगा। और सामने से ही जब उनको पता लगा कि ऐसे ऐसे मैं वीडियोस बनाता हूँ मम्मी वाली, तो उन्होंने छूटते ही, उनको ना जारा वाली वीडियो दिखाई थी, तो उन्होंने छूटते ही हाथ मिला, अरे पाजी तुसी हो जो मम्मी मम्मी करते हो ऐसे करके, मतलब मैं तो पंजाबी में बात कर रहा था, मैं पंजाबी हूँ तो मैं पंजाबी में बात कर रहा था उनके साथ, तो वो भी आ गए थे पंजाबी में, कह रहे पाजी बहुत वधिया वीडियो है यार, मैं मजा आता है, कहते तुहानू देख के, वो राहुल वैद्या ने भी शुरू किया, राहुल वैद्या जो बिग बॉस सीजन 14 का रनर अप है,
वो भी मम्मी मम्मी कह रहा, उन्होंने 3-4 बार वीडियोस बनाई थी ऐसे, उनके साथ भी अच्छी बात होती है, अब तो भैया वाला हिसाब है, भाई वाला हिसाब है उनके साथ मेरा। अच्छा, इसके अलावा और क्या टैलेंट है भैया? एक्टिंग वगैरह कर लेता हूँ थोड़ी बहुत। ओके, हाँ, अब रैप वगैरह भी करूंगा, फ्री स्टाइल रैप। सुनाओ फिर कोई रैप। अभी नहीं, सरप्राइज है। सरप्राइज है। अभी गला भी किसी सिंगर का सुना दो। ऐसे रहने दो यार, गला करेंगे। म्यूजिक के साथ ही आएंगे। म्यूजिक के साथ ही आएंगे। ओके, अच्छा, हरियाणवी इंडस्ट्री में कौन सा सिंगर या मॉडल पसंद आपको? हरियाणवी इंडस्ट्री में मेरे को एक वो गुलजार जी हैं, उनके गाने अच्छे, हाँ उनके गाने अच्छे लगते हैं। मैंने गाने बहुतों के सुन रखे हैं, ऐसा नहीं है नहीं सुन रखे, बट मेरे को नाम नहीं याद रहते। इसलिए, बट नहीं, मैं बहुत गाने सुनता हूँ, बहुत गाने सुने हैं, ऐसे नहीं है एक नहीं, क्योंकि अब सर्कल भी वैसा है ना, तो दोस्त वगैरह भी लगा देते हैं तो सुनते हैं, तो हाँ मजा आता है, वाइब आती है, वाइब करते हैं कभी कभी, खाते पीते भी वाइब करते हैं गानों पे उनके भी, तो मजा आता है गाने सुनने में। पंजाबी इंडस्ट्री में कौन सा सिंगर आपने अच्छा लगा? पंजाबी इंडस्ट्री में अपने भाई दिलजीत भाजी हैं, सिद्धू भाजी हैं, जी अच्छे लगते हैं, करण औजला है। ओके, इनके साथ काम करना चाहूंगा जो कदे भगवान ने चाहा। पक्का रैप करेंगे, ये तो सपना है, करण औजला के साथ रैप करेंगे। पता नहीं, शायद हो जाए, मजा आ जाएगा। अच्छा, कोई पंजाबी मॉडल है फीमेल में कौन सी पसंद? सोनम बाजवा। सोनम कभी होया रैंडम जब मान ले मैसेज आ गया तो क्या रहेगा आपका रिएक्शन? इतनी खुशी से मतलब मैं सोऊंगा नहीं। मैं कहूंगा लाओ कुछ करे तगड़ा, जल्दी मिलते हैं, मतलब कुछ बढ़िया करे, तगड़ा करे। पर ऐसे होगा नहीं, मेरे को नहीं लगता। नहीं हो जाएगा भाई जी, आप मेहनत कर रहे हैं इतना लेवल पे, अच्छा काम ना हो जाए। हाँ जी। ओके, अच्छा भाई जी, वो कौन सा दिन था पूरे खुश हो गए थे? 100K पे, 1 लाख जब हुए थे, अब तो वेरी क्लोज टू 200K, बट जब 1 लाख फॉलोवर्स हुए थे ना इंस्टाग्राम पे, तो मैंने घर पे ही सेलिब्रेट करा था थोड़ा बहुत। मैंने पहले सोचा था कि बढ़िया करके सेलिब्रेट करूँ, फिर मैंने घर पे ही सेलिब्रेट करा था, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा था वैसा माहौल घर का, वो थोड़ा पर्सनल है। चलो, वो 100K का जो था ना, मतलब घर पे एक प्राउड फील मेरे को ऐसे लगा कि मम्मी पापा प्राउड हैं कि हाँ बच्चा हमारा कुछ कर गया, अच्छा आगे अब कर जाएगा जी, आगे भी बढ़ जाएगा। तो बस अच्छा कर रहे हो भाई आप, थैंक यू सो मच। तो बस यही है, उस टाइम पे बड़ा वो हुआ कि मम्मी पापा प्राउड है ना, उनकी खुशी देख के ना तो थोड़ा सा आ गया थे, आंसू भी आ गए थे कि हाँ अब कुछ कर लिया, अब कुछ करा है मैंने। अच्छा भाई जी, अपने फोन में ऐसी कौन सी 3 ऐप है जो यूज करते हो लगातार? लगातार इंस्टाग्राम, यूट्यूब और स्नैपचैट। अच्छा, ऐसे कौन से 3 गाने हैं, कोई भी हिंदी पंजाबी हरियाणवी, जो लगातार प्लेलिस्ट में चल रहे हैं आपके पूरे 10 दिन से? 10 दिन से, हाँ। 10 दिन से चल रहा है, एक तो करण औजले का गाना, ओके, वो तो, और सिद्धू भाई अपने, सिद्धू मूसेवाला जी, लेजेंड रहे हैं वो, हाँ। तो हमारे अब, और हरियाणवी में यार वो गाने का मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, मेरे को 1 मिनट सर्च कर ले दो। मतलब अभी ट्रेंडिंग वाला है, पुराना है कोई? ट्रेंडिंग में चल रहा है एक गाना, वो मेरे को याद नहीं आ रहा नाम, अब मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, मैं सर्च भी क्या करूं, अब सर मेरे को याद नहीं रहते। अभी मैंने सुन रहा था, अभी कल परसों ही सुन रहा था। ये ड्यूट है या सिंगल? सिंगल है, सिंगल है, हाँ। ओके, वो थोड़ा बदमाशी टाइप वाला गाना है, गैंगस्टर वाला ना, मासूम शर्मा के तो नहीं बोल रहे? शायद हो सकता है, सर्च करके देखूं एक बार। मासूम शर्मा ये बदमाशी सॉन्ग ज्यादा उसी भाई के आ रहे, अभी लेटेस्ट आया थोड़े दिन पहले ये, तो नहीं ये नहीं है, ये नहीं होगा, ये सुना हुआ है मैंने लोफर गाना, बट ये नहीं है। ओके, फेवरेट ब्रांड कौन सा? फेवरेट ब्रांड, हाँ। कपड़ों में, हाँ। ऐसे कोई स्पेसिफिक ब्रांड नहीं है कपड़ों में, जो अपने को तो खाद्य भी अच्छा है। अच्छा, कौन सा ही मिल जाए अपन, कोई सा मिल जाए, ऐसे कुछ नहीं है। फेवरेट डिश? डिश वेज में तो ऑब्वियसली पनीर चाप वगैरह कर लो, कह लो, और चिकन में जाए तो फिर बटर चिकन ही अपना। फेवरेट कलर? फेवरेट कलर आपके सामने पहन रखा है मैंने, तीनों रंग ही है, व्हाइट ब्लैक और ब्राउन, तीनों ही पहन रखे हैं। ओके, अच्छा भाई जी, आज 1 लाख प्लस फॉलोवर हैं, तो टारगेट क्या है आने वाले साल भर में, 2 साल में क्या टारगेट है? टारगेट मेरा, अगर एम पूछो, अगर मैंने जो अचीव करना है तो ऑब्वियसली कोई वेब सीरीज मूवीज वगैरह अचीव करनी है। फॉलोवर्स का क्या, ये तो बढ़ते कम होते रहते हैं, ठीक है,
इसमें मेरे को ये वो नहीं तो समझ गया, पर नहीं तो 20,000 पर जब सुई टिकी दे तो आपका माइंड में हाँ, पर अब नहीं है। अब मेरे को पता है कि अगर तुम्हारा काम अच्छा है ना तो फॉलोवर्स की आप टेंशन मत लो, या व्यूज की या ऐसे लाइक्स की टेंशन मत लो। अगर तुम काम अच्छा कर रहे हो ना तो अपने आप पब्लिक में प्यार मिलेगी। बिल्कुल, तो जाते जाते वही डायलॉग आ दे, क्या बोलूं, बोल दो मम्मी इंटरव्यू हो गया, मम्मी स्ट्रगल लाइफ ने मेरा इंटरव्यू ले लिया। क्या हुआ था वैसे, मतलब इतनी कभी रिटेट हो अपनी खुद ही बात से, मतलब यार क्या बोलता सुनते कभी कभी सुनता हूँ जो जो मतलब जैसे अब देख रहा हूँ ना कि हाँ वीडियो डाली है, तब तो नहीं सुनता, थोड़े टाइम बाद जब देखता हूँ हाँ वायरल हो गया व्यूज आ रहे हैं तो मैं देखता होता हूँ, दो मिनट रुक के देखूंगा बस फिर आगे बढ़ा दूंगा। जल्दी में बैठ जाओ, ऐसे नहीं है ये, अपनी बात से कौन ही इरिटेट होता है। बिल्कुल। अच्छा भाई जी, यूथ फॉलो करता आपको, जाते जाते क्या मैसेज देना चाहो? भाई खुश रहो, डिप्रेशन का शिकार मत हो। मैं बहुत देखता हूँ बंदे जो परेशान चल रहे हैं, छोटी छोटी चीजों को लेके सोच में पड़ जाते हैं, दिल पे ले लेते हैं। तो मत करो भाई, अभी बहुत कुछ है लाइफ में आगे पड़ा, क्योंकि मैं भी किसी टाइम पे तुम्हारे यही सिचुएशन में था। अच्छा, तो मैं यही बोलूंगा कि एक लाइफ है यार, खुल के जियो, बढ़िया जियो और तगड़े रहो। डिप्रेशन में आप आए हो? डिप्रेशन ही कहते थे पर हाँ धोखा मिला हुआ, ट्रॉमा में आया हुआ है, अपसेट में अपसेट रहा हूँ। कितने साल कर ले? सच्चाई मत निकाल लगा दे, 4 साल का था। अच्छा, मतलब ये चीजें भाई आपकी नजर में क्या लगा, प्यार की क्या परिभाषा? अब तो प्यार की परिभाषा माँ बाप, मतलब ये चीजें से दूर रहो बंदा सही रहो, दूर रहो पास रहो, पार्टनर तुम्हारा बढ़िया होना चाहिए साथ वाला। आज उसके मैसेज आवा है? नहीं अब मैं ही नहीं करता बात, जब भाई चांस आ गया तो क्या रिप्लाई रहेगा, निकलो? नहीं ऐसे कुछ निकलो निकलो नहीं, जय राम जी की सत्य गाली, बस हाथ जोड़ देंगे। अब बहुत बढ़िया लगा भाई जी मिलके, बहुत अच्छा नेचर आपका, और कोई मिलना चाहो तो भाई जी किसी टाइम भी मिल सके आप, किसी भी टाइम डीएम करो। डीएम की बात करा, आप कमेंट आ रहे थे काफी, आप रिप्लाई नहीं देते? नहीं नहीं मैं देता हूँ रिप्लाई, जितना हो सके रिप्लाई दे देता हूँ। अभी मेरा पता नहीं क्या बग आया हुआ है, कुछ दिक्कत आई हुई है, मैं चेक करवाऊंगा। मैंने बात करी थी अपने बंदे से एक, ये देखो ये मैं आपको दिखाई देता हूँ, रिक्वेस्ट में जाऊंगा ना, ये देखो ऑल रिक्वेस्ट नहीं दिख रही, सो ही नहीं हो रहा। दिखा दो यार इनको भी दिखा दो, ये देखो भाई सो ही नहीं हो रहा भाई, ठीक है। और टॉप रिक्वेस्ट में सिर्फ जो वो थोड़ी बहुत है ये दिख रही है थोड़ी बहुत, और अगर मैं जाऊँ हिडन्स में, हिडन मैसेजेस में जाऊँ तो कुछ है ही नहीं भाई, ये पता नहीं क्या बग आ रहा है ना, सेटिंग करवा लो भाई। हाँ वो चेक, पब्लिक परेशान हो रही है, पब्लिक परेशान हो रही है इसलिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, इतना कीमती समय दिया आपने। अरे थैंक यू सो मच। बिल्कुल, तो चैनल के बारे में क्या कुछ कहना? चैनल मेरे को बढ़िया लगा, अभी आपके साथ हूँ मैं। बिल्कुल, तो कमेंट के जरिए बताना वो भाई का नेचर और भाई की बातें कैसी लगी। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, जब तक दे इजाजत, जय हरियाणा जय हरियाणा।